Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। एल्विस यादव दूसरे दिन पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक एल्विस ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर के रामगढ़ में देर रात पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। बिहार विधानसभा में आज आरक्षण बिल पेश किया जाएगा। इसमें पिछड़े अति पिछड़े के साथ SC/ST का आरक्षण कोटा 60 से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है। गाजा में इसराइल के हमलों में मरने वालों की संख्या 10,500 से ज्यादा हो गई। इसमें 4,300 से ज्यादा बच्चे हैं। इसराइल हमास की जंग को एक महीना पूरा हो गया है। छत्तीसगढ़ के मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर बुधवार देर रात बेमेतरा में कथित तौर पर पत्थरों से हमला किया गया। NIA असम पुलिस ने भारत में रोहिंग्या घुसपैठ में मदद करने वाले 47 बिचौलियों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि मुझे लगता है कि वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा के नई सुराय में आज राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। कैश फॉर क्वेरी यानी लोकसभा में सवाल पूछने के बदले कैश लेने के मामले में लोकसभा के अध्यक्ष कमेटी की आज अहम बैठक होने वाली है। घरेलू शेयर बाजार की ओपनिंग आज तेजी के साथ होने में कामयाब रही और मिड कैप स्मॉल कैप की लगातार जारी तेजी से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। दीपक केसरकर ने कहा है कि राज्य सरकार के लिए आतिशबाजी चिंता का विषय बना हुआ है। मुंबई शहर के संरक्षण मंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि पटाखे नहीं जलाएं और दिवाली को दिए जलाकर मनाएं। मुंबई में वायु की गुणवत्ता चर्चा का विषय बना हुआ है। आज सुबह CSMT से सामने आए एक वीडियो में चारों तरफ धुंध की चादर नजर आई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को मराठा आरक्षण पर अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयान पर नाराजगी व्यक्त की और उनसे सावधानी बरतने का आग्रह किया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सोना और चांदी गलाने वाले कारखानों पर कार्रवाई की जा रही है। BMC ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई की। अगर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सोना और चांदी गलाने वाले कारखानों पर कार्रवाई की जा रही है। BMC ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई की है। BMC ने दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया है। इस बार BMC के कर्मचारियों को 26,000 रुपए बोनस के रूप में मिलेंगे। राज्य के मंत्री छगन भुजबल ने OBC आरक्षण को लेकर आक्रामक रुख अपना लिया है। छगन भुजबल ने आरोप लगाया कि सरकार हमें OBC की श्रेणी से बाहर करने की साजिश कर रही है। मुंबई पुलिस ने 15,000 करोड़ रुपए के अवैध जुआ और साइबर धोखाधड़ी से संबंधित मामले में महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर रवि उपल और शुभ सोनी सहित 29 अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तरुण आदर्श ने Tiger 3 का रन टाइम बढ़ाए जाने की जानकारी दी है, जिसके मुताबिक अब फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 36 मिनट हो गया है। फिल्म का रन टाइम बढ़ जाने से फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। बिहार में OBC जातियों की संख्या 30 है और सर्वे के मुताबिक इन जातियों की आबादी 27% है। अभी तक बिहार में OBC जातियों को 12% आरक्षण मिलता था। आज की टॉप 20 में बस इतना ही। NBCN के तमाम दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहे हमारे साथ में NBCN न्यूज पर। नमस्कार।